इंदौर रतलाम से बुलाई गई टीम ने 93 सुअर पकड़कर सिटी से बाहर भेजे। इस दौरान सुबह नागजीरी क्षेत्र के सुअर पालकों ने सुअरों को क्षेत्र से भगा दिया। शहर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण में दाग लगा रहे सुअरों को पकड़ने के लिए शनिवार को शहर पहुंची इंदौर और रतलाम से बुलाए गए ठेकेदारों की टीम। सुबह के समय खाली हाथ रही। सुबह 10 बजे नागजीरी क्षेत्र में निगम गैंग के साथ पहुंचे ठेकेदारों सुअरों की घेराबंदी कर पाते। इससे पहले ही वहां सुअर पालक सक्रिय होकर क्षेत्र से सुअर भगा चुके थे। इसी के बाद दोपहर में शाम तक टीम ने 93 सुअर पकड़ बाहर भेजे हैं। निगम के सूत्रों का दावा है कि नगर निगम की गैंग ने नागजीरी क्षेत्र में पहुंचने से पूर्व ही सुअर पालकों को सूचना दे दी थी। हालांकि अभियान शुरू करने के दौरान सुअर पालक भी ठेकेदार के आदमियों के आसपास ही मंडराते रहे ताकि सुअर पकड़ में आ जाए तो उसे छुड़ा ले। निगम की गैंग को यह भी डर था कि पूर्व में चलाई गई मुहिम के दौरान सुअर पालकों से विवाद व हमला हो चुका है। इसीलिए भी नगर निगम की गैंग और ठेकेदारों के लोगों में मुहिम को लेकर किसी तरह की सक्रियता नजर नहीं आ रही थी। उपायुक्त संजेश गुप्ता के अनुसार पाइप फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र परमेश्वरी गार्डन डी मार्ट महावीर कॉलोनी से 93 सुअर पकड़े गए थे। साहब के निर्देश पर बराबर अभी तक जो है आवारा पशुओं में गाय और इस प्रकार के जानवरों के ऊपर कार्रवाई बाड़े तोड़ने के संबंध में तथा पकड़ने के संबंध में लगातार हुई थी। इस क्रम में अभी आवारा पशुओं से हट के अब जो है आवारा सुअर के संबंध में कार्रवाई आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से फिर से पुनः शुरू की गई है, क्योंकि हम एक कार्रवाई करते हैं तो दूसरी कार्रवाई को रोकना पड़ता है। हमारे पास कर्मचारी संसाधन उतने रहते हैं तो आज नागजीरी क्षेत्र में अभी कार्रवाई शुरू करी है। पूरा हमला इसमें लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके पश्चात दोपहर के पश्चात हमने अपने 3 स्थानों का और चयन किया है। दोपहर पश्चात इनके खाना खाने के पश्चात हम लोग वहाँ पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।